आज मैं आप लोगों को पीटर पैन कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, जो आप राउंड शेप, बोर्ड शेप, वी शेप, स्क्वायर में, किसी भी शेप में आप बना सकती हैं। तो देखिए, जिस भी कुर्ती में या शर्ट में जिसमें आपको कॉलर बनाना है, उसके लिए आप तीरे की कटिंग कर लीजिए। आपको अगर बैक गला ज़्यादा रखना है तो उसमें आप तीरा कम रखें, उसके हिसाब से आप तीरा रखें जैसे आपको गला बनाना है। ये देखिए, मुझे डीप गला नहीं बनाना है तो मैं जितना रखना है 7th तो 7th मैं रखी हूँ। ऐसे आप जितना तीरा रखना है उसके हिसाब से आप रख लीजिए। अब उसके बाद गले की मैं चौड़ाई बता देती हूँ। गले की चौड़ाई है 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर ऐसे एक निशान लगा लीजिए, और लंबाई में 4.5 इंच पर। ये आगे का गला है, इसमें मैं 4.5 इंच पर ऐसे निशान लगा रही हूँ। अब इसको राउंड शेप देते हुए अब हमको एक शेप दे देना है राउंड में, ऐसे राउंड में एक शेप दे दीजिए गले का। इसके बाद ये आगे का गला हो गया। अब मैं पीछे का गला बता देती हूँ। इसको भी मैं 2.5 इंच की चौड़ाई, पीछे का भी 2.5 इंच की चौड़ाई ही रखना है, और लंबाई में 1.5 इंच का, 1.5 इंच का यहाँ निशान लगा लीजिए। और इसको भी हल्के में राउंड में शेप देते हुए इसको भी ऐसे कटिंग कर देना हो, और 2 इंच इसको एक्स्ट्रा खोलना है, ऐसे 2 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। इसको भी हम ऐसे तो हल्का सा कटिंग कर देंगे। ऐसे काटने के बाद इसको भी हम ऐसे खोलने के लिए यहाँ से इतना जितना निशान लगाए हैं उतना कटिंग कर देंगे। अब आगे का भी जैसे निशान लगा है वैसे ही कटिंग कर लीजिए। ये पीछे का गला हम जितना ऐसे खोले हुए हैं, एक कपड़ा ऐसे रख लेंगे और इसको अंदर से ऐसे रखते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ऐसे रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब मैं लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ। अब ये गले की पट्टी हम तैयार करें किए हैं, जो इसको अंदर रखते हुए ऐसे हम इसके एक सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब हम सिलाई लगाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। ऐसे हम सीधे सीधे वी शेप में जैसे कटिंग हुआ है वैसे हम सिलाई करेंगे। अब इसके अंदर से हम कटिंग कर देंगे। इसको ऐसे पलट देंगे, इसे हम इसको पलट देंगे। यह हम ऐसे ही ऐसे किनारे किनारे फोल्ड कर देंगे, सिलाई करेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। ये सिला गया पीछे का मेरा। अब हमको तीरा जोड़ना है, तो ऐसे आगे का पल्ला उठाएंगे और दोनों तीरा को हम ऐसे पकड़ते हुए ये तीरा जोड़ देंगे, और इधर भी साइड का दोनों तरफ का हम ऐसे जोड़ देंगे। जोड़कर दिखा रहे हैं। तीरे की सिलाई हो गई। अब सिलाई करने के बाद इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, ऐसे दोनों तरफ इसको ऐसे ऐसे करके बराबर हम कर देंगे, खोल देंगे ऐसे दोनों तरफ ऐसे ही खोल लेंगे। कॉलर बनाने के लिए इसको ऐसे खोलना पड़ता है, ऐसे खोल लीजिए। खोलने के बाद अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और सीधा करके कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग के लिए ऐसे पेपर पेस्टिंग ले लीजिए। ये डबल फोल्ड है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ।
आप जितना भी कॉलर की लंबाई चौड़ाई बनाना है उसके हिसाब से ले लीजिए। ये 11 इंच चौड़ा है, 11 इंच, और इसकी चौड़ाई है फोल्ड करते हुए 5.5 इंच। अब इसके बाद अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ये खुला हुआ हिस्सा इधर है, इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ये कुर्ती की जो हम गला बनाए हैं इसको ऐसे हम रखेंगे, ऐसे करते हुए रखेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा 3 इंच पर, देखिए यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 3 इंच पर यहाँ हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम दो पॉइंट यहाँ छोड़ते हुए एक निशान लगा लेंगे। ये लगाने के बाद अब हम गले को ऐसे रखेंगे, यहीं से रखते हुए अब गला हम ऐसे बराबर करेंगे। इसे गले को बराबर कर लीजिए, इसे बराबर करते हुए अब हम यहाँ से ऐसे इसको निशान लगा लेंगे। इसे निशान लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऐसे रखते हुए इसको भी पीछे का भी हम इसे निशान लगा लेंगे गला का। ये देखिए यहाँ से मेरा पीछे का अब शुरू होता है, ऐसे इसको भी हम निशान ऐसे लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हम यहाँ से दूरी यहाँ के 3 इंच रखे थे और यहाँ से हम पीछे के साइड का 1.5 इंच रखेंगे। ऐसे 1.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसको हटा देंगे। अब हटाने के बाद हम यहाँ से देखिए 1.5 इंच पर, ऐसे 1.5 इंच पर जहाँ निशान लगाए हैं ऐसे 1.5 इंच पर हम एक और निशान ऐसे दूरी पर लगा लेंगे यहाँ से। फिर हम ऐसे थोड़ा सा हल्का सा इसको ऐसे सीधे करते हुए निशान लगाते जाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच पर लगाएंगे, यहाँ से हल्का सा हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते हुए हम ऐसे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और मेरा आगे का ये 3 इंच पर है। अब इस निशानों को हम मिला लेंगे, ऐसे हम निशान को इसे मिलाते जाएंगे। अब हल्का सा यहाँ से हमको थोड़ा सा ऐसे राउंड करना है, इसको राउंड कर देंगे। आगे भी ऐसे ही हम ऐसे थोड़ा सा हल्का सा राउंड करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए कॉलर की कटिंग हो गई, ऐसे देखिए। अब मैं कॉलर दिखा देती हूँ आगे और पीछे, ऐसे मेरा कॉलर ऐसे रहेगा शेप में। अब हम इसको कपड़े पर प्रेस कर लेंगे, जिस कपड़े पर मुझे कॉलर बनाना है उस कपड़े पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए जिस कपड़े पर आपको कॉलर बनाना है उस कपड़े पर आप चिपका लीजिए। देखिए इस कपड़े पर मुझे चिपकाना था, मैंने ऐसे इस कपड़े पर चिपका लिया। दोनों कॉलर ऐसे ऐसे प्रेस से चिपका लीजिए। देखिए ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपका लीजिए और बाहर बाहर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए। जैसे मैंने कटिंग की है ऐसे आप दोनों कॉलर चिपका लीजिए और कटिंग कर लीजिए। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए, जैसे देखिए ये कपड़ा है, एक कपड़े को रखिए डबल ऐसे रखते हुए। अब हमको सिलाई लगाना है, दोनों को ऐसे रखिए, ऐसे कपड़े पर देखिए दोनों कॉलर रखिए, ऐसे रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए और देखिए इसको कैसे सिलाई लगाना है मैं यहाँ बता दे रही हूँ, अब सिल के भी दिखाऊंगी। यहाँ से देखिए पेस्टिंग पे नहीं सिलाई करना है, यहाँ से सिलाई करते हुए उठाते हुए ऐसे पूरी सिलाई यहाँ तक लगाइए और ये खुला रखिए। यहाँ से हमको सिलाई करते हुए दोनों को ऐसे ही यहाँ से करते हुए यहाँ तक ले आना है। मैं मशीन पर चल के दिखा देती हूँ। देखिए कॉलर को ऐसे कपड़े पर रखिए, ऐसे कपड़े पर रखते हुए हमको सिलाई करना है, ऐसे रखिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करना है। देखिए ऐसे रखते हुए उठाइए और सिलाई यहाँ से शुरू कीजिए।
ऐसे ही दोनों कॉलर की सिलाई कर लीजिए। देखिए एक सिलाई हो गया, ऐसे ही एक कॉलर की और सिलाई कर लीजिए। देखिए दोनों कॉलर की सिलाई हो गई, अब इसकी कटिंग कर लीजिए। किनारे किनारे जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लीजिए। देखिए मैं कटिंग करके दिखा दे रही हूँ, ऐसे कटिंग कर लीजिए। ऐसे जो राउंड शेप है उसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ऐसे, ताकि सही से पलट जाए ये गला, ये कॉलर सही से पलट जाए, इसके लिए हम ये कटिंग कर लेंगे। ऐसे इसको भी कटिंग कर लेंगे। अब ऐसे इसको पलट लीजिए, कॉलर को ऐसे पलट कर प्रेस कर लीजिए। ये देखिए कॉलर में प्रेस करना ज़रूरी रहता है ताकि सफाई से ये प्रेस हो जाए बराबर बराबर। देखिए ऐसे दोनों को पलट लीजिए और प्रेस लगा लीजिए। देखिए कॉलर ऐसे प्रेस कर लीजिए, ऐसे प्रेस हो गया। अब इसको हमको गले में ऐसे अटैच करना है। देखिए ऐसे खोलिए कुर्ती को, जिसमें लगाना है आपको ऐसे गला को खोलिए। ऐसे खोलने के बाद हम सीधा के तरफ से, अब सीधा के तरफ से हम ऐसे रखेंगे। पीछे का ये जो छोटा हिस्सा है ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लगाएंगे, और आगे का ऐसे आधा जहाँ सेंटर है सेंटर पर एक हम कट लगा लेंगे। सेंटर पर हम एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम गले को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखते हुए एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। दोनों गला ऐसे रख लेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे और कच्ची सिलाई यहाँ से लगाएंगे। लगा कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कच्ची सिलाई हो गई, ऐसे सिलाई लगा लीजिए। इसके बाद अब हम एक पट्टी लगाएंगे और ये भी पट्टी काट लेंगे ऐसे, और ये भी पट्टी काट लीजिए। इसके बाद इसको सीधा कर लीजिए। ऐसे सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से पीछे से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए अब पूरी ऐसे हम सिलाई लगाएँगे, ऐसे पूरे में सिलाई लगाएँगे। देखिए ये पूरी सिलाई हो गई, ऐसे सिल लीजिए। ऐसे सिलने के बाद अब हम छोटा सा कट लगा लेंगे, यहाँ कोने पर कट लगाएंगे, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे ताकि ये साफ सही से पलट जाए। इसे कट लगा लेंगे छोटे छोटे। अब हम इसको उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करके ऐसे उल्टा करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे देखिए पलट के ऐसे कॉलर को सीधा करेंगे। कॉलर को सीधा करते हुए इसको ऐसे मोड़ेंगे अंदर की तरफ, ऐसे मोड़ देंगे। अब इसको ऐसे पलटेंगे। ऐसे पलटने के बाद अब हम इसी पर किनारे किनारे ऐसे कॉलर को ऐसे सीधा रखेंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। मैं सिलकर दिखा दे रही हूँ।
देखिए पीछे ये साइड में फिर हम ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलट कर ऐसे मोड़ देंगे, हम सफाई के साथ ऐसे मोड़ कर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए पूरी सिलाई गले की कंप्लीट हो गई कॉलर की। अब मैं दिखा देती हूँ। यहाँ एक मोती लगा सकती हैं या बटन लगा सकती हैं, और यहाँ हुक लगा लीजिए। अब ये कॉलर आपका परफेक्ट बैठ जाएगा। देखिए ऐसे आप कॉलर बनाइए अपने कुर्ती में या शर्ट में, किसी भी चीज़ में, आप ब्लाउज में, किसी भी चीज़ में आप बना सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कॉलर में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बोल सकती हैं, मैं इसका जवाब दे दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में।